अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, हमारे सामने साइंस की बुक है। साइंस की बुक का पेज नंबर ओपन करें। पेज नंबर है 3 हमारा, ठीक है। डेट क्या है यार? 3 अप्रैल। डेट क्या है यार? 3 अप्रैल। मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या ऐसे होते हैं। स्केल्टन बाय देमसेल्फ कैन नॉट मूव एनी बॉडी पार्ट, ठीक है। स्केल्टन बाय देमसेल्फ कैन नॉट मूव, जो स्केल्टन है वो खुद हरकत नहीं कर सकता, मूव एनी बॉडी पार्ट। दे नीड मसल, उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? मसल्स की। द फ्लैश बिटवीन योर स्किन एंड बोन्स, आपकी जो जिल्द और बोन्स के दरमियान जो गोश्त होता है, फ्लैश होता है, और द मसल्स, उन्हें क्या कहते हैं? मसल्स, ठीक है, ये मसल्स हैं। आवर मसल्स कंट्रोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे मसल्स किसकी क्या मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत को कंट्रोल करते हैं। बिग मसल्स कंट्रोल बिग मूवमेंट, जो हमारे बड़े मसल हैं वो बड़ी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सच एज आवर लेग एंड आर्म मसल, ठीक है, हमारी टांगों और बाजों वाले मसल बड़ी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्मॉल मसल्स कंट्रोल स्मॉल मूवमेंट, स्मॉल मसल हैं वो स्मॉल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सच एज ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग ऑफ आइज का मतलब है आँखों को झपकना। आवर मसल्स मूव माई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स बिकमिंग शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग का मीन क्या है? शॉर्ट, छोटा, एंड रिलैक्सिंग मीन्स बिकमिंग लॉन्गर, ठीक है। आपने इसकी मसल्स की हमने आज रीडिंग की है, इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप एक क्वेश्चन करेंगे। हम सबसे पहले हम कॉपी पे आप डेट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे डे लिखेंगे, सैटरडे, होमवर्क लिखेंगे ऊपर, और 3 अप्रैल डेट लगाएंगे। टॉपिक आप रेडी करेंगे, यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स, यूनिट 1 का लेसन 1, टॉपिक लिखेंगे आवर बॉडी स्ट्रक्चर, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम फॉर मूवेबल जॉइंट्स, आपने फॉर मूवेबल जॉइंट्स के नेम लिखने हैं। आंसर क्या है? एल्बोज, शोल्डर्स, हिप्स, नीज। वर्ड्स मीनिंग है नीचे, एल्बो का मतलब क्या है? कोहनी, शोल्डर, कंधा, जॉइंट्स, जो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप इसी तरह पेज रेडी करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे और रीडिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।